क्योंकि यू कैन सी मी ऑल्सो इन दिस. बहुत प्रिटी, मुझे इतना पसंद आया. सो दिस इज अ एम्ब्रॉयडर्ड वर्क लाइक दिस. ठीक है, हैज अ स्टैंड, सो आराम से सकते हो. ठीक है, बहुत अच्छे लगते हैं बोगनविला. हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स. आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो. सो यस, हॉल वीडियो बैक टू बैक बिकॉज शॉपिंग है और आप सबके भी बहुत रिक्वेस्ट थे और मैंने बताया भी था कि बहुत सारे हॉल वीडियोज आ रहे हैं, कीप वॉचिंग. सो आज का जो वीडियो है इट इज होम डेकोर से रिलेटेड बिकॉज अभी फेस्टिवल्स हैं, दिवाली आने वाली है. सो होम डेकोर की शॉपिंग ऑब्वियसली सबके दिमाग में है अभी. सो मैंने भी कुछ शॉपिंग करी है, वही मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ. और यस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. पहला पीस है ना, चलो सबसे बेस्ट वाले से स्टार्ट करते हैं. आई डोंट नो, आई थिंक सब कुछ ही बहुत अच्छा है, बट जस्ट लेट मी शो दिस जो आज ही मुझे रिसीव हुआ है. देखो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है. ओके, इसके साथ स्क्रू भी आए हैं इस हिसाब से. ठीक है, साथ में ओके. सो ये है ऐसा. ठीक है, इसमें ना मिरर है. सो ये जो झरोखा टाइप होता है ना, कंप्लीटली ओके, यू कैन सी मी ऑल्सो इन दिस, कंप्लीटली झरोखा जैसा है ऐसा ब्यूटिफुल पीस. ये वुडन का है. आई हैव थोड़ा बहुत, मैं दिमाग में चल रहा है कि मैं इसको कहाँ लगाने वाली हूँ. इधर डोर पे यू नो, कोई आता है तो अपने आप को निहार सकता है घर में बेल बजाने के बाद, जब तक वो वेट कर रहा है यू नो, तो बोर नहीं होते लोग अपने आप को देखते हुए. एनीवेज, या फिर मेरे सोफे के ऊपर दीवार पे, या फिर यहाँ पे ये जो है ना इधर ऊपर. तो आपके घर में अगर फॉयर एरिया है, जैसे अंदर एंट्री होते ही कुछ वैसा है, तो आप वहां पे ऐसे दो तीन यू नो कर सकते हो. इनफैक्ट व्हाइट को आप कलर भी कर सकते हो. ब्यूटिफुल पीस ये है ऐसा वुडन का. इनफैक्ट यहाँ पे ये है ऐसा, तो आप उसको निकाल के ना आप फोटो भी लगा सकते हो. सो इनकेस आपको पसंद है तो आप उसमें ऐसा फोटो भी लगा सकते हो. सो दिस इज द मिरर एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट. आई जस्ट लव दिस. एंड ये तो एक मंगाया है, आगे चल के अगर मुझे लगा ना होम डेकोर में कुछ चेंजेस करने हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लुक देते हैं मेरे ब्लू सोफे के ऊपर. आई थिंक ये अच्छा लगेगा. लेट मी थिंक ओवर इट कि कैसे करना है. सो इस तरह के झरोखे में ना और भी पैटर्न है. ब्राउन में देर इज तीन का सेट, देर आर अदर डिफरेंट पैटर्न ऑल्सो. मैं यहाँ पे एक एक करके फोटो लगा दूंगी, आप वो भी चेक कर सकते हो. इनकेस दैट गोज विथ योर होम डेकोर की लुक वेरी नाइस. डाइनिंग टेबल के ऊपर लगा दिया आपने, सोफे के ऊपर लगा दिया तीन का सेट, या फिर एंट्रेंस जो होता है वहां पे लगा दिया, आप वो भी कर सकते हो. तो दे आर ऑल्सो वेरी गुड. आई बॉट दिस व्हाइट बिकॉज मुझे व्हाइट ज्यादा अच्छा लगा, एंड गिवन माई रेंटल हाउस और जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से दिस वॉज गोइंग वेरी नाइस. और बाकी वो भी बहुत अच्छे, यू कैन जस्ट चेक देम आउट टू. नेक्स्ट इज दिस, जो मेरे हाथ ही नहीं लग रहा था, मतलब बार बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था, फाइनली मुझे स्टॉक में मिल गया. ये ना बहुत आजकल ट्रेंडिंग में है इस तरह के. गेस व्हाट इज दिस. सो दिस इज अ टिश्यू बॉक्स होल्डर. ओके, तो इसके साथ इसमें आए हैं इसके ये जो लेग्स है ना, ऐसा लेग्स मैंने लगा दी थी, मुझे लगा एक रख देती हूँ आपको दिखाने के लिए. तो यहाँ पे ये लेग्स लग जाते हैं इस हिसाब से, है ऐसा ओपन हो जाता है. तो इसके अंदर आप टिश्यू रख दो, ठीक है, ये पूरा ऐसा टिश्यू रख दो और उसके बाद इसको जस्ट जॉइन इट एंड लुक सो नाइस. इसमें ना दो तीन कलर्स और थे बट मुझे संभाव ये वाला कलर ज्यादा अच्छा लगा, सो आई ऑर्डर दिस वेरी प्रिटी थिंग. आई मीन दिस इज वेरी लाइट वेट. ठीक है, देख कैसा लग रहा है, मेटल, दिस इज नॉट मेटल, दिस इज प्लास्टिक, बट लुक पूरा मेटल वाला आ रहा है. सो इसको कहीं पर भी रख दो एंड बहुत अच्छा लुक देने वाला है. गिव्स दैट रिच लुक, येट यू नो दिस इज वेरी लाइट वेट. तो कहीं पे अगर आपको यू नो बहुत हैवी चीज नहीं रखनी है, घर में काफी बार बच्चे होते हैं ना, गिरने का टूटने का डर होता है, सो यू कैन गो अहेड विद दिस वेरी ट्रेंडिंग एंड एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल. सो अगर स्टॉक में मिले तो पक्का से ले लेना, बिकॉज मैं एक महीने के बाद मेरे को ये मिला ऐसे स्टॉक, वो कहते हैं ना जैसे देखते हुए कि आ जाया क्या स्टॉक में, आया जाया क्या स्टॉक में. सो ऐसा, सो दिस इज माई नेक्स्ट परचेज. लव इट, आई लव इट. मानसी सब कुछ ही लव इट हो रहा है एक्चुअली. देखो ना, आप खुद ही देखो प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं. मेरा बेडशीट कभी हॉल गया था, उसमें भी आप सबके कितने कमेंट्स आए थे कि ये दीदी बहुत अमेजिंग बेडशीट है. तो वो हॉल नहीं देखा है तो पक्का देख लेना. नेक्स्ट आर दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजर्स. ठीक है, ऐसा मैं दिखाती हूँ. मैंने ये लिया, इसमें इतने ऑप्शंस थे ना, मतलब मुझे समझ में नहीं आया था मैं क्या लूँ. तो मैं यहाँ पे सब प्ले कर दूंगी, आप देख सकते हो क्या 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 ऑप्शंस हैं, उनके भी लिंक्स मैं शेयर कर दूंगी इनकेस आपको वैसा कुछ चाहिए. बिकॉज मी बींग इन अ रेंटेड फ्लैट, थोड़े लिमिटेशन आ जाते हैं, आप कहाँ पे क्या कर सकते हो, क्या रख सकते हो. सो इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स, तो मतलब ये तो ऐसा है कि ये तीन का सेट था एंड दिस इज वेरी अफोर्डेबल. बहुत आई थिंक 300 की ऐसा कुछ तो रेट में मुझे ये तीन मिले हैं. आई थिंक और भी ज्यादा सस्ते में था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मंगाए हुए थोड़ा
टाइम हो गया साइड में ना, ऐसा ये जो दे रखा है ना इसकी वजह से बड़ा अच्छा सुंदर सा ये लग रहा है। सो ये ऐसा है, इस हिसाब से अभी ना रखे हुए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, थोड़ा सा उसको ठीक करना पड़ेगा। सो ये आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो कम्प्लीटली अप टू यू। वॉश बेसिन आपका जो बाथरूम है उसके वहां पे आप इसको रख सकते हो, ठीक है, आप रख सकते हो उसको किचन में, गार्लिक जिंजर ये सब कुछ रखने के लिए, फ्रूट्स रखने के लिए। आई थिंक एज अ ऑर्गेनाइजर आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो, मुझे तो अभी समझ में भी नहीं आ रहा है। तो आप इसको डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो, अपने सॉल्ट पेपर ये सब कुछ जो रखते हो ना वो, या फिर आपका जो अगर स्पून स्टैंड है, कटलरी स्टैंड है उसको रखने के लिए, आप अपने लिविंग रूम के कॉफी टेबल के ऊपर रख सकते हो। सो दिस इज एंडलेस, हर चीज में दिस कैन बी यूज, ऑर्गेनाइजर है बहुत अच्छा है, आराम से ऐसा 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 हो जाता है यू नो। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि आपके जो ड्रॉज है उसके अंदर आपको सामान रखना है, और काफी बार होता है ना जो सॉलिड प्लास्टिक होता है वो उतना स्पेस लेता है, इसको डालो ना ये, क्योंकि इस तरह से हो जाता है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करके ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हो। सो जस्ट माय थॉट। सो ये है मेरा नेक्स्ट परचेज, दिस इज वेरी नाइस, काफी अच्छा लगा मुझे तो ये। सो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद दिस गिवन द प्राइस। और ये ना एक ना बहुत अच्छा सा मॉडर्न येट आपका बहुत पुराने जमाने से रिलेटेड जो होते हैं जैसे जूट एंड ऑल दीज कलर्स गिव दैट काइंड ऑफ वाइब, सो मुझे वो बहुत पसंद है। तो ये है मेरा नेक्स्ट परचेज। तो जैसे मैंने बोला बहुत सारे और भी अलग अलग पैटर्न्स है अलग अलग प्राइस रेंज में, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद देम। अगर आपके दिमाग में वैसा कुछ है तो आप वो ले सकते हो, लॉन्ड्री वगैरह का जो आपका सारा डिटर्जेंट सोप ये सब कुछ होता है ना वो सब रखने के लिए भी बहुत काम आ सकता है। सो नेक्स्ट परचेज इज दिस। अगला ये दिखाते हैं इस तरह के जो टेबल रनर्स होते हैं, रुको मैं पास से दिखाती हूं फिर आपको समझ में आएगा, ऐसा ठीक है, ये एम्ब्रॉयडर्ड वाला। सो इस तरह के टेबल रनर्स 1200 इसके रेंज में आते हैं अगर आप ऑनलाइन देखते हो, ऑफलाइन आई एम नॉट श्योर, ठीक है। इसमें देखो आप मिरर भी है, मिरर वर्क है, ठीक है। ये मुझे मिला 499 का। सो अगर आपको स्टॉक में मिलता है एंड इफ यू हैव अ थिंग फॉर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क लाइक दिस, ठीक है, सो यू कैन गो अहेड विद दिस। अच्छी है क्वालिटी, लुक्स वेरी नाइस, क्योंकि सारे कलर्स हैं और दिवाली इज राउंड द कॉर्नर, सो दिवाली वगैरह में अगर आप ऐसे बिछाते हो ना इसको, इट विल लुक वेरी ब्यूटिफुल, काफी अच्छा लगेगा। सो यू कैन सी ऑल द कलर्स ऑफ द फेस्टिवल आर देयर। तो मुझे 500 का जब था ना, 499 का, आई थॉट कि चलो ऑर्डर करके देखते हैं, रिटर्न तो हो ही जाता है, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एम्ब्रॉयडर्ड होगा। काफी बार गलत फोटो रहती है ना, एम्ब्रॉयडर्ड फोटो रहती है, आता है वो आपका दैट मटेरियल, वो आपका जो पॉली वाला मटेरियल होता है ना, मटेरियल का नाम याद नहीं आ रहा, एनीवेज समझ गए ना आप, हाँ। सो वो, बट देन व्हेन आई रिसीव्ड इट, ओपन इट, आई वाज लाइक वेरी हैप्पी, चलो ये एक्चुअल में एम्ब्रॉयडर्ड है। सो 499 में दिस इज वेरी गुड। सो जो अगला है, इसमें बहुत सारे कटआउट्स अलग अलग पैटर्न के भी हैं, एक ये है, इसमें अलग अलग सेंस के भी हैं, आपको जैसा पसंद है। ये गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, सो आई थिंक दिस इज एमडीएफ और सम काइंड ऑफ वुड, ठीक है। सो ये एज अ गिफ्टिंग भी बहुत प्यारा है, या फिर आप अपने जो आपका अगर बुक शेल्फ है वहां रख दो, आपके ड्राइंग रूम में किसी एक जगह पे रख दो ना, दीज काइंड ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं मैं हमेशा इस तरह की छोटी छोटी चीजें घर में प्रेफर करती हूँ, बिकॉज दीज डिफाइन योर लिविंग स्पेस एज अ पर्सन। आप कैसे कोई आपके घर में आता है ना, सो ये जो छोटी 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 चीजें होते हैं ना ये वो देखते हैं तो उनको एक्चुअल में थोड़ा ग्लिम्स मिलता है कि वॉट यू आर ऑल अबाउट। सो दिस इज माई नेक्स्ट परचेज। स्टैंड है प्रॉपर, तो ऐसे खड़ा हो जाता है, ठीक है, इस हिसाब से। और इसमें भी मैंने बोला बहुत सारे पैटर्न है, एक और पैटर्न था वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, उसमें अनगिनत आपके सेंग्स थे। इनफैक्ट अनन्या के लिए भी मैं देख रही थी, अनन्या माय डॉटर शी लव्स हैरी पॉटर, तो पॉटर हेड, लिव लाइफ, मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड, एवरीथिंग से रिलेटेड, टुवर्ड्स लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन हैं, सो यू कैन चेक दैट आउट टू। क्वालिटी इज वेरी गुड, और क्योंकि ये ऐसा आराम से यू नो इट हैज अ स्टैंड, सो आराम से स्टैंड हो जाता है, सो वेरी नाइस। सो दिस इज माई नेक्स्ट परचेज। अगला बहुत ही यूजफुल एक चीज है आपके जहां पे भी किचन में, स्पेशली मैंने किचन के लिए मंगाया है, तो क्या होता है ना कि इतने सारे प्लग्स हैं, तो मेरा जो अवन है उसी के पीछे सारे प्लग्स रखे रहते हैं क्योंकि वो वायर उलझ जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये है, इसमें बहुत तरह के पैटर्न थे, मैंने ये कलरफुल वाला मंगाया है इस हिसाब से, मैं आपको पहले कलर्स दिखा देती हूँ, ठीक है। ये चार कलर्स में आए हैं ऐसा, ठीक है, ये वाले चार कलर्स है मेरे पास। तो ये कैसा है आपका, इसको आप ऐसे इसके साथ इस तरह के पीछे ऐसे पेस्ट करने के लिए आया है, सो वॉल इस पे लगा के वॉल पे आप इसको चिपका दो, और यहाँ पे आपका जो पावर प्लग का वो जो है ऊपर का हेड है उसको यहाँ पे लगा दो, तो आराम से बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है और बहुत अच्छा लुक देता है। इसमें बहुत सारे पैटर्न्स थे, ट्रांसपेरेंट भी एक था, एक वो शेफ वाला जो है ना, सो मोटा सा शेफ ऐसा पकड़े हुआ है वो भी है। सो यहाँ पे फोटोज मैं लगा दूंगी दोनों के ही, उनके भी लिंक्स शेयर कर दूंगी इनकेस आपका टेस्ट वैसा कुछ है तो। तो मेरी ये रिक्वायरमेंट थी, और मुझे क्योंकि कलरफुल्स और पेस्टल्स में अच्छे लगे, सो इस हिसाब से है ये, ठीक है।
क्वालिटी इज गुड. सो बहुत अच्छे से सारे जो आपके पावर के जो केबल्स हैं, जो पॉइंट्स वो है, समझ गए ना आप, वो जो आराम से उसको होल्ड कर लेता है और इजी है आपका. कभी भी आपको कुछ लगाना होता है, मिक्सी लगाना होता है, ढूंढना पड़ता है किसका कौन सा है, किसी और का अप्लायंस का आपको ऊपर का हेड मिल जाता है. सो नाउ दीज आर ऑल सॉर्टेड, सो दिस इज माई नेक्स्ट एंड वेरी यूजफुल परचेज. सो नेक्स्ट जो है ये तो मतलब होम डेकोर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरी बेटी बड़ी खुश होगी इसको देख के, तो मैंने ऑर्डर किया था, आपको भी दिखा दूं. वैसे सेट में आया है, आजकल उसको बहुत शौक चल रहा है इससे खाने का. तो इस तरह के चॉपस्टिक्स, ठीक है, वेरी प्रिटी और स्टेनलेस स्टील का है, वो वुड वगैरह से ट्राई करती रहती है, तो मैंने कहा चलो तेरे लिए मंगा देती हूँ. एंड लकीली जब मैं ढूंढ रही थी चॉपस्टिक, तो मुझे ये पूरा सेट मिला जिसमें देयर इज फोक, देयर इज स्पून, ठीक है, और ये चॉपस्टिक का सेट है. तो इस हिसाब से जैसे टिफिन वगैरह में अगर आप देना चाहो ना, तो ऐसे आप दे सकते हो. टिफिन में हम क्या करते हैं ना, चम्मच और ये स्पून वगैरह देते हैं तो अलग से देते हैं, तो नाउ यू हैव अ बॉक्स ऑल्सो, सो अलग से आप दे सकते हो. सो अच्छा है, काफी अच्छा लगा मुझे, काफी यूजफुल लगा और बड़ी खुशी खुशी वो लेके जाती है. और क्योंकि उसको ये बहुत पसंद है चश्मा के स्पून का सेट, तो खाना भी फिनिश होगी यार आजकल. आई थिंक आई हैव टू थैंक दिस फॉर दैट. सो दिस इज माय नेक्स्ट परचेज. नेक्स्ट मेरा वो सोप का जो डिस्पेंसर है वो बहुत पुराना है, मुझे कभी चेंज करने का मन ही नहीं कर रहा था उसको, लेकिन वो ना थोड़ा खराब हो गया है, बहुत अच्छा था वो. सो आई गॉट दीज सेट ऑफ टू, ठीक है, हिसाब से दिस इज ग्लास, ठीक है, कांच का है ये. इसके ऊपर आप जैसे आपने, जैसे मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, आप देखोगे उन्होंने जूट का एक वो लटकाया है यहाँ पे, हल्का सा स्टिकर लगाया है सोप वगैरह करके, तो उससे भी बहुत अच्छा लगेगा. और ट्रांसपेरेंट मैंने इसलिए लिया है कि आप किसी भी कलर का, जैसे होता है ना, आप अगर सोप का जो कलर है वो चेंज करो, लिक्विड सोप का कलर इसमें डालो, तो ये वो कलर ले लेगा. दो अलग कलर डालोगे तो इट विल ऐड कलर टू योर बाथरूम, सो विच लुक्स वेरी नाइस. कलर्स आर ऑलवेज गुड. सो ये है, क्वालिटी इज गुड, पंप is also nice, ठीक है. So this is my next purchase. Looks very nice, very elegant, जिसको मैं बोलूँ basic सा है, but because of the pattern काफी अच्छा है, ठीक है, इस हिसाब से. पहले मुझे लगा था शायद प्लास्टिक तो नहीं है, बट इट टर्न आउट ग्लास, विच वॉज लाइक नाइस. किचन के मैंने थोड़े से ziplocs मंगाए थे, तो वो भी अच्छी क्वालिटी के आए थे, तो अभी आपके साथ सामने ही रखा था मैंने किचन में, तो मैं चलो ये भी आपके साथ लाके मैं रख दी यहाँ पे शेयर कर दूँ. सो इस तरह के ziplocs बहुत अच्छे हैं, होते हैं, यू नो, सब्जियां वगैरह अगर आपको रखना है वैसा. और आई थिंक दिस इज फ्रीजर सेफ ऑल्सो, कट करके सब्जियां रख दिया वो, या फिर नींबू वगैरह काफी बार खराब हो जाता है ना, तो वो इसमें रख दिया आपने. बच्चों को स्कूल में कुछ आपको निक नैक्स देने हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है. सो दिस इज माय नेक्स्ट परचेज, इसका भी लिंक दे दूंगी, वेरी यूजफुल. सो इसकी डेकोरेशन की बात हो और फ्लावर्स की बात ना हो तो कैसे, आर्टिफिशियल फ्लावर्स. सो दिस इज बोगनविला, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बोगनविला. सो मुझे जब ये आर्टिफिशियल में मिला ना, वो सुपर डुपर हैप्पी, लुक्स सो नाइस, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना. सो ये कलर भी मुझे बहुत पसंद है, इसमें आई थिंक एक दो और कलर थे, आई एम नॉट श्योर. सो वो है, क्वालिटी वाइज भी लुक्स गुड, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. और ये इजी है कि भाई वॉश वगैरह हो जाते तो कोई इशू नहीं है, इसके रिव्यूज भी वाज नाइस. तो और काफी लॉन्ग है, ठीक है, अगर आपको लॉन्ग वॉश में साइड में कॉर्नर में कहीं पर रखना है, यू कैन डू दैट. या फिर आपको अगर छोटा करना है, तो यू कैन जस्ट ऑलवेज फोल्ड दिस लाइक दिस एंड कीप इट इन अ वॉश, ठीक है. तो ये है मेरा नेक्स्ट वाला. और फिर कमिंग टू इज दिस, ये बड़े कॉमन है आई गेस, बट आई डिड नॉट हैव इट, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये. सो इसमें है चार पांच कलर्स हैं, इधर यू गो फॉर वन कलर के पांच पीसेस और यू गो फॉर कलरफुल. मुझे कलरफुल अच्छा लगा, यू नो, सो आई वेंट फॉर दिस कलरफुल वाला. क्वालिटी इज वेरी नाइस, यू कैन सी बहुत अच्छा क्वालिटी, और सारे पेस्टल्स हैं, सो बहुत अच्छा लगता है. चटक वाला जो होता है ना, वैसा नहीं है. और यस, उसके बाद है ये एक गोल्डन सा वास, ठीक है, ये आपका रियल प्लांटर वास भी बना सकते हो, इसको एज अ प्लांटर भी यूज कर सकते हो. सो सिंस दिस हैज अ होल, बेसिकली दिस इज अ प्लांटर ऑल्सो, तो आप इसमें प्लांट्स, एक्चुअल रियल प्लांट भी ग्रो कर सकते हो. बट आई बॉट इट बेसिकली एज अ आपका वास ओनली, सो इस पे आप रख सकते हो. इसको मुझे फोल्ड करना पड़ेगा ना, इसमें जाएगा नहीं. सो सिंस इसमें ये रबर्स दे रखे हैं ना, सो इट विल नॉट स्किड, स्किड नहीं होता है. इसमें डाल के देखूं क्या आता है, मैंने ट्राई नहीं किया है. सो वो स्किड नहीं होगा, ज्यादा ही छोटा हो गया. सो लाइक दिस, थोड़ा सा ऊपर चाहिए, मैंने ज्यादा फोल्ड कर दिया. सो एनीवेज, तो आपको समझ में आ गया. तो ये इस हिसाब से है, काफी प्रिटी लगता है. एंड गोल्डन कलर फेस्टिवल के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दिवाली पे मोस्टली इट्स रेड, येलो, ऑरेंज, ये हम इस तरह के कलर्स लेते हैं. सो ऐसा गोल्डन मैं लेती हूँ, गोल्डन या फिर कॉपर, लुक्स वेरी नाइस. और इसकी क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी. सो जब मैं ये प्लांटर देखी थी, तो दो तीन और प्लांटर भी मेरे सजेशन में आए थे जो मुझे काफी अच्छे लगे थे. एक तो कैक्टस वाला है यहाँ पे जो मैंने दिया है, दूसरे वो छोटे छोटे रेड और येलो कलर के दो प्लांटर्स थे, वो भी बहुत अच्छे थे, क्यूट से थे. सो यू कैन गो अहेड विद देम ऑल्सो. और ऐसे गोल्डन में ना दो छोटे ऐसे राउंड राउंड से भी प्लांटर थे लाइक दिस, सो यू कैन चेक देम आउट टू. सो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा. सो आई वेंट अहेड विद दिस. जब डोरमैट की बात करते हैं, तो ये है मेरा डोरमैट.
सेम ब्रांड का मैंने पहले ग्रे डोरमैट्स बहुत पहले हॉल में डाला था, वो डोरमैट्स अभी तक मेरे घर में है एंड आई वॉज लाइक अभी हाई टाइम, 2 साल हो गया डोरमैट्स का, हैव टू चेंज इट, बट आई कुड नॉट क्रॉस द ग्रे कलर बिकॉज मेरा कार्पेट है ना लिविंग रूम का वो ग्रे कलर है और मेरा ब्लू कलर का सोफा है और येलो कुशन है उसमें थोड़े, तो इसीलिए मैंने इसमें ग्रे के शेड्स लिए हैं और येलो लिए हैं। इसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, वेरी नाइस, सुपर सॉफ्ट। और इसमें ना एक और पैटर्न है, उसका मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, तो वो पैटर्न भी आप चेक कर सकते हो। और ये सब एंटी स्किड है, तो अगर आप बाथरूम के बाहर लगाते हो, कहीं लगाते हो ना, तो वो स्लिप होने का डर नहीं है पैर पहुंचते, सो दैट इज गुड थिंग अबाउट दिस एंड वेरी गुड। तो अगर डोरमैट देख रहे हो तो इसमें बहुत सारे ना अच्छे अच्छे वो भी हैं, प्रिंट्स भी हैं, फ्लोरल है, प्लांट से रिलेटेड है, बहुत सुंदर सुंदर अच्छे पैटर्न्स हैं, सो आप वो भी चेक कर सकते हो। ये है बहुत ही प्रिटी से जो कर्टन्स होते हैं ना, वो इसमें और भी आपको प्रिंट और कलर मिल जाएंगे। सो ये ऐसा आपको पॉम पॉम्स मिलता है इस हिसाब से, मटेरियल आपको मैं दिखाती हूँ, देखो ऐसा है, ठीक है, फोकस फोकस, ओके, सो समवॉट लाइक दिस, सो पीछे से ऐसा है, इतना प्रिटी है, बट मैंने ना लंबा मंगा लिया है, छोटा साइज इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, सो आई हैव टू रिटर्न दिस, और देखेंगे जब भी आएगा इसका साइज, जब भी अवेलेबल होगा मैं इसको पक्का से मंगाने वाली हूँ। इतना मेरा रूम का जो पूरा लुक है चेंज हो गया है, खिल गया है मेरा रूम, मैं दूर से दिखाती हूँ आपको। उससे पहले इसमें ना इस तरह से ऐसा वो भी है, तो आप चाहो तो इसको बांध के भी दिखा सकते हो, तो सिंपल आप ऐसा करो, और क्योंकि इसमें वेलक्रो है तो बस इसको लाके यहाँ पे अटैच कर दो एंड दिस गिव्स यू दैट परफेक्ट वाला जो वो है इस हिसाब से। बहुत प्रिटी, मुझे इतना पसंद आया ना ये, आई रियली विश कि मेरे को साइज मिल जाए इसका। तो वो जो मैंने आपको कर्टन दिखाया ना, सिमिलर में ऐसा प्रिंट भी है, और भी बहुत सारे प्रिंट हैं ऐसे ना ये पॉम पॉम्स के साथ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सो मुझे ये ट्रे जस्ट मैंने हॉल एंड किया उसके बाद ही रिसीव हो गया, सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे लगा था शायद लॉस्ट इन ट्रांजिट है, बट चलो कस्टमर सर्विस ने अपना काम कर दिया है। सो वेरी नाइस क्वालिटी, इसमें पीछे ऐसे रबर्स लगे हुए हैं, सो ये स्किड नहीं होगा, एक जगह पर टिका रहेगा एंड क्वालिटी इज वेरी नाइस, तो इसको आप कहीं पर भी रख सकते हो, सर्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, सो नाइस क्वालिटी। सो यस, ये आ गया है, तो मैं सोचा आपको दिखा देती हूँ वीडियो में ही, सो हियर इट इज़। सो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का जो होम डेकोर हॉल वीडियो है इसको यहीं पे एंड करते हैं। सो आई रियली होप आपको पसंद आया होगा, आया है तो लाइक जरूर करना और पक्का शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ये वाला वीडियो, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। सो रेंटल फ्रेंडली है बिकॉज आई एम ऑन रेंट, सो आई ट्राई नॉट टू इन्वेस्ट टू मच ऑन दीज थिंग्स, बट वो लुक अच्छा वाला आ जाए। सो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। बेडशीट हॉल नहीं देखा है, लास्ट ईयर के भी बहुत सारे होम डेकोर वीडियोस आए थे, वो भी पक्का मेरे चैनल में चेक कर लेना, सब्सक्राइब पक्का कर लेना मेरे चैनल को। सो सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।